देखिए, मैं समझता हूँ कि ये विषय नहीं है अब वो किसकी फोटो किसके साथ लगाएं, लेकिन भगत सिंह और उनको तो वो नीचे नहीं कर सकते कि आपने उन आदर्शों में आगे क्या किया। मैं अपनी फोटो क्या देश के महापुरुषों के साथ नहीं लगा सकता? लोग तो जाके शहीद आजम भगत सिंह की जहाँ तस्वीर देख लेते हैं वहाँ सेल्फी लेते हैं, उनके स्टैचू पे जाके सेल्फी लेते हैं, यहाँ तक कि अपने चुनाव प्रचार में भी नेता लोग फोटो डालते हैं महापुरुषों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ। इसमें मुद्दा क्या है, सवाल क्या है, मुझे बताइए ना। हम उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये विषय नहीं है अब वो किसकी फोटो किसके साथ लगाएं, लेकिन भगत सिंह और उनको तो वो नीचे नहीं कर सकते। उनके आदर्शों को अगर कोई कह रहा है कि मैं उन आदर्शों, कल लोग साहब पूछेंगे उसका भी कि आपने उन आदर्शों में आगे क्या किया। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो या देश का कोई भी नेता हो, मैं अपनी फोटो क्या देश के महापुरुषों के साथ नहीं लगा सकता? क्या देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ, शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ आप लोगों की फोटोएं नहीं होती हैं? लोग तो जाके शहीद आजम भगत सिंह की जहां तस्वीर देख लेते हैं वहां सेल्फी लेते हैं, उनके स्टैचू पे जाके सेल्फी लेते हैं, उनके साथ फोटो डालते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ फोटो डालते हैं, बाबा साहब के साथ फोटो डालते हैं, यहां तक कि अपने चुनाव प्रचार में भी नेता लोग फोटो डालते हैं महापुरुषों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ। इसमें मुद्दा क्या है, सवाल क्या है, मुझे बताइए ना। अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी के मुखिया हैं और उनकी तस्वीर अगर शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ है या बाबा साहब जी के साथ है, तो ये अधिकार हर एक नागरिक को है जो महापुरुषों के साथ अपनी तस्वीर लगा सकता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने आप को दावा कर रहे हैं, अपने आप से हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। नहीं, हम उनके वो हमारे लिए अनुकरणीय है, प्रार्थनीय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।